जीएमएएम इंटर कॉलेज मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज। आज खेले गए दो मुकाबले। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से, जहां दर्शकों की बेहद मांग को देखते हुए ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत जीएम इंटर कॉलेज के मैदान में हो गया है। पहले दिन ही पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहा। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, दर्शकों का मैदान में जगह मिल पाना मुश्किल होगा। जिला बनाव संघर्ष समिति के तत्वाधान में इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज के टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में बेलथरा रोड नगर अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्त व विशेष अतिथि कुमार सचिन पायलट एयरफोर्स रहे। ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ करने से पहले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। आज उद्घाटन मैच सहित दो मैच खेले गए। पहला मैच बेलथरा रोड मॉडल स्पोर्टिंग क्लब बनाम स्टेडियम क्लब देवरिया के बीच हुआ। देवरिया ने इंटरवल से पहले 2-0 से बढ़त बनाई और दूसरे हाफ के अंत तक बढ़त बरकरार रखते हुए उद्घाटन मुकाबला 2-0 से जीत लिया। देवरिया के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले आकाश थापा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी नगर के मशहूर डॉक्टर फैजुर रहमान ने प्रदान करते हुए खिलाड़ी का हौसला अफजाई किया। आज का दूसरा मैच अंसार क्लब खैराबाद व एमएस क्लब अदरी मऊ के बीच खेला गया। बेहद ही रोमांचक मुकाबले के खैराबाद ने अदरी की टीम को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। बेहतरीन खेल दिखाने वाले खैराबाद के खिलाड़ी राशिद को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिन्हें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी टिल्लू सिंह ने प्रदान की। जिला बनाव संघर्ष समिति के संयोजक पूर्व प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल रहमान ने कोरोना काल से पहले एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था। कमेंट्री करते हुए इमरान हसन खान व बेचन यादव ने अपने बेहतरीन अंदाज से दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। आज के पहले मैच से रेफरी की भूमिका प्रकाश श्रीवास्तव ने की, तो वहीं दूसरे मैच में रेफरी की भूमिका पीयूष कुमार ने अच्छी तरह निभाई। लाइनमैन की भूमिका में टिंकू एवं जिया रहे। कल कोलकाता व बनारस के बीच एक जोरदार मैच देखने को मिलेगा। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने वालों में प्रधानाचार्य माजिद नासिर मोहम्मद दानिश अहमद, आमिर शमशाद जमालुद्दीन मुन्ना भाई, पूर्व प्रधान उस्मानुल हसन फरसाटार, मोहम्मद आरिफ लारी आदि मौजूद रहे। भारत मीडिया के लिए बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।